दोस्तों, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने आज है डिस्क ब्रेक वाला जुपिटर ग्रांडे जो अभी लॉन्च हुआ है। और मैंने इसका पहले वाला एक जो वेरिएंट निकला था ड्रम ब्रेक का, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन ये जो स्कूटर है अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, इसमें दो चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज ये है कि इसमें सामने के जो ब्रेक है उसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है। और इसका जो एलो व्हील्स का डिज़ाइन आप अगर देखेंगे तो ये ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट से इसका डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट दिया गया है। इसमें आपको डायमंड कट एलो व्हील्स दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें आपको जो सामने का डिस्क ब्रेक दिया गया है उसका साइज है 220 mm, और पीछे जो इसमें ब्रेक दिया गया है वो है 130 mm का। और पीछे इसमें ड्रम ब्रेक दिया गया है, सामने डिस्क ब्रेक दिया गया है। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सेम कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम की तरह काम करती है। अगर आप पीछे का ब्रेक दबाते हैं तो सामने का ब्रेक थोड़ा अपने आप दब जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो ब्रेकिंग का रुकने का जो टाइम है वो कम हो जाता है और इसकी जो रुकने की डिस्टेंस है, दूरी है, वो भी कम हो जाती है और आप सेफली ब्रेक लगा पाते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं दिया गया है, वही है आपको जो मैंने पहले इसमें वीडियो बनाया था। और मैंने जैसे ही ये शोरूम में गाड़ी आई इसका एक वीडियो बनाया है, तो आप ये वीडियो यहाँ से कंटिन्यू देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने तब बनाया था जब गाड़ी का डिलीवरी हुआ था शोरूम में। और दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो आगे देखें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये गाड़ी की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये गाड़ी आपको हैदराबाद में पड़ेगी अराउंड 59,000 की डिस्क ब्रेक के साथ। और ये एक्शोरूम प्राइस है। और इसका ऑन रोड प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको जो शोरूम का डिटेल्स है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। तो आप वीडियो यहाँ से कंटिन्यू अभी देख सकते हैं। तो ये है TVS जुपिटर ग्रांडे और ये जो एडिशन है ये है डिस्क ब्रेक के साथ है। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसका जो एलॉय व्हील्स है उसका देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूटर में ऐसा आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर एक अलग सा एक कटिंग दिया गया है जो एलॉय व्हील्स को। और ये साइड में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है इसका डिस्क ब्रेक। ये डिस्क ब्रेक की साइज़ है 220 mm, मेरे हिसाब से 220 mm का ये डिस्क ब्रेक दिया गया है। और पीछे का जो ब्रेक है आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है। इसमें एक और मैंने वीडियो बनाया था पहले जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक था, लेकिन इसमें जो नया वेरियंट लॉन्च किया है ये है डिस्क ब्रेक। और डिस्क ब्रेक के साथ ही साथ आपको एक टेक्नोलॉजी और भी मिलती है जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। ये है जो आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के जैसी ही मिलती है। और यहाँ पे क्रोम की कुछ फिनिशिंग दी गई है। और ये जो टायर आप देख सकते हैं 12 इंच के ट्यूबलेस टायर है और 90x90 का 12 इंच का टायर है। और ये TVS का खुद का ही टायर है इनका। और पीछे का भी आपको टायर दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मैं स्कूटर दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको TVS ग्रांडे का जो नाम लिखा है और नंबर 1 JD Power, यहाँ पे TVS का नाम लिखा हुआ गया है। और यहाँ पे भी थोड़ा एक अच्छा सा फिनिशिंग दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिकेटर है। और यहाँ पे आपको ऊपर लाइट दी गई है, ये LED लाइट है और ये आपको मिलती है ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन के फीचर के साथ। तो ये LED आपको दी गई है यहाँ पे। और नीचे आपको DRL डे टाइम रनिंग लाइट भी यहाँ पे दी गई है। और जब भी आप गाड़ी को चलाओगे तो ये जो लाइट है ये ऑन आपको मिलेगी ऑलवेज। गाड़ी का लुक आप एक बार देख सकते हैं। और ये जो मिरर्स है उसके भी क्रोम का फिनिशिंग ऊपर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा दिख के आ रहा है, अट्रैक्टिव। और ये साइड भी आप देख सकते हैं आपको क्रोम की एक फिनिशिंग देखने को मिलती है। और आपको बता देता हूँ कि इसका जो डिजिटल मीटर यहाँ पर दिया गया है, एनालॉग प्लस डिजिटल आपको मीटर यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको इको मोड वगैरह दिया गया है और यहाँ पर पावर मोड है। इको मोड में आपको जो लाइट जलती रहेगी जब आप अगर आप की स्पीड 30 से लेकर 50 तक आपकी गाड़ी की स्पीड है तब इको मोड में आप चला रहे हैं और उसके ऊपर आप गए तो आपको पावर मोड का लाइट ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की दी गई है। और राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो पेट्रोल का इंडिकेशन दिया गया है, ऊपर हाई बीम का आपको इंडिकेशन देखने को मिलता है। अब आपको मैं इसका जो मीटर है वो ऑन करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम बता रही है, यहाँ पे ट्रिप मीटर आपको दिया गया है और ऊपर आपको जो पेट्रोल है उसका इंडिकेशन देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आपको हेलमेट का वार्निंग आपको देखने को मिलता है थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 सेकंड तक
आपको हेलमेट पहनने का वार्निंग यहाँ पे दिखता है और सर्विस जो रिमाइंडर वगैरह का डिटेल्स भी आपको आता है। और लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे जैसे आप इसका की ऑन करेंगे, लेफ्ट साइड में आपको जो इसका स्टैंड है उसका भी इंडिकेशन यहाँ पे मिलेगा। और साथ में इस साथ ही साथ आपको दूसरे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आपने कितनी देर तक आपकी गाड़ी को, अगर आपने 10 किलोमीटर चलाई है गाड़ी को तो वो 10 किलोमीटर में कितनी देर तक आपको आपने अपनी गाड़ी को इको मोड में चलाया है, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो लाइट्स है यहाँ पे ये साइड में आप देख सकते हैं, ये जो इंडिकेशन दिया गया है ये इंडिकेटर का है, और ये इंडिकेटर आपको जो बीपर है उसके साथ में दिया जाता है इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम कंट्रोल यहाँ पे दिखता है, इसका मीटर का जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी अच्छा है। अब बताता हूँ आपको इसकी सीट के बारे में, तो आपको जो इसकी स्टिचिंग है ना वो क्रॉस स्टिचिंग की गई है, और जो मटेरियल है सीट के ऊपर बहुत ही काफ़ी है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे जो इसका जुपिटर का क्लासिक वेरिएंट था उसका सीट है ना मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, और मैं कह सकता हूँ कि जितने भी स्कूटर इंडियन मार्केट में है सबसे अच्छा जो कम्फर्ट है वो टीवीएस जुपिटर जो क्लासिक है उसमें आपको मिलेगा। अब बात करते हैं नीचे जो यहाँ पे हुक वगैरह दिए गए हैं, ये रिट्रैक्टेबल है, आप लिखा भी यहाँ पे 3 किलो से ज़्यादा आप इसमें सामान नहीं डाल पाएंगे, और जब आप यूज़ कर रहे हैं इसको सामने ला सकते हैं, जब आप यूज़ नहीं कर रहे तो वापस इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। और ये साइड में भी आपको, ये साइड में भी आप देख सकते हैं आपको दिया गया है एक छोटा सा हुक, जिसमें आप कोई पॉलिथ जैसे मतलब थैली वगैरह या फिर कोई बैग वगैरह डाल के आप ले जा सकते हैं। और लेफ्ट साइड में आपको दिया गया है यहाँ पे चौक का ऑप्शन, जब भी आपको चौक को यूज़ करने का रिक्वायरमेंट रहता है आप चौक का यूज़ कर सकते हैं। और राइट साइड में आपको ये इग्निशन दिया गया है, इग्निशन में आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, यहाँ पे आपको बस की इंसर्ट करना है और बस ऑन कर देना है, इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन दिए नहीं गए हैं। और राइट साइड में आप जब भी आप गाड़ी को कहीं पार्क करके जाते हैं तो ये जो शटर लॉक है ये लगाना मत भूलिए, आप शटर लॉक यहाँ से लगा सकते हैं, आपको बटन दिया गया है वो बटन प्रेस करना है, यहाँ पे लिखा भी है पुश, मैं दिखा देता हूँ, तो आप इसके लॉक लगा सकते हैं। और जब भी आप गाड़ी कहीं पार्क करते हैं तो ये याद रखिए कि आप ये ऑप्शन यूज़ करें, क्योंकि ये जो लॉक है ये आपकी सिर्फ और सिर्फ चाबी से ओपन हो सकता है, ये जो चाबी यहाँ पे दी गई है, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उससे ही आप इसको लॉक और अनलॉक आप कर सकते हैं, तो ऑलवेज याद रखिए कि ये ऑप्शन आप यूज़ करें। और ये यहाँ पे बटन दिए गए हैं, ये हाई और लो बीम का बटन दिया गया है, आप जैसे इसको नीचे प्रेस करोगे आप पास का बटन यूज़ कर सकते हो, ये इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है, और नीचे आपको हॉर्न का बटन दिया गया है, और राइट साइड में आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसके अलावा और कोई बटन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। और आप साइड से आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको जुपिटर का नाम लिखा हुआ है, ग्रांडे एडिशन, ये ग्रांडे एडिशन है। अगर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जो की है मेरे पास इसको मैं यहाँ लगाऊंगा, जैसे आपने दूसरी जो स्कूटर्स में देखे हैं आपको सीट ओपन करने के लिए आपको या तो वहाँ पे एक बटन दिया जाता है इग्निशन के पास, लेकिन इसमें क्या है आपको सीट ओपन करने का और आपका पेट्रोल का जो टैंक का जो कैप है उसको ओपन करने का ऑप्शन यहीं पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप अगर आप इसको लेफ्ट साइड में करेंगे तो आप पेट्रोल का जो टैंक है वो ओपन हो जाएगा, और इसको अगर आप राइट साइड में घुमाएंगे तो ये सीट ओपन हो जाएगा। और इसको बहुत ही ईजी है, आप गाड़ी पर बैठ के भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और आपको मैं सीट ओपन करके दिखाता हूँ एक बार, मैं राइट साइड में एकदम से इसको दबाया तो सीट ओपन हो गई, और ये सीट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको चार्जिंग का ऑप्शन वगैरह भी दिया गया है, और मुझे लगता है कि फुल फेस हेलमेट आप आराम से रख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें आपको जो फर्स्ट एड किट वगैरह ये सब ऑप्शन आपको इसके अंदर दिए गए हैं, फर्स्ट एड किट भी इसमें दिया जाता है, और यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया आपको चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों इसके इंजन की, तो ये 109.7 सीसी का इंजन है जिसकी पावर अराउंड आपको 8 BHP मिलेगी, और इसका जो टॉर्क है वो मिलेगा आपको अराउंड 8.4 न्यूटन मीटर का, और जो पावर आपको मिलती है वो मिलती है 7500 RPM पे, और इसका जो टॉर्क मिलता है वो मिलता है 5500 RPM पे। और आपको बता दूं कि इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ ही साथ आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग दी गई है इसके इंजन की, यहाँ पे टीवीएस का नाम भी लिखा गया है। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके टायर के बारे में, तो टायर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही टायर आगे और पीछे आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, अलग डिज़ाइन दिया गया है। पीछे आपको मिलता है एक ड्रम ब्रेक जिसकी साइज़ है 130 mm की, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको मिलता है, मतलब एक साथ दोनों, अगर आप पीछे का ब्रेक लगाएंगे तो आगे का ब्रेक थोड़ा अपने आप प्रेस हो जाएगा। और इन्होंने ये कॉम्बी ब्रेकिंग को सिस्टम इसको नाम दिया है सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम। और ये जो टायर आप देख रहे हैं ये टीवीएस का खुद का इनका टायर है यहाँ पे, और इसमें दिया गया है 5 लीटर का पेट्रोल टैंक। और इसका माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको 45 से लेकर 50 KMPL तक माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा सिटी राइड में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाइए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।